पैसा रहता है साधु के बच्चे हराम का देकर खोले मेरा बेटा मेरा खून करेगा ऐसा नहीं होगा Yeah.
रहा था व्यवहार नगर में मुझे एक साधु की कुटिया दिखाई पड़ी। साधु की कुटिया? हाँ। फिर क्या हुआ सरदार? मैंने सोचा कि चलो पहले अपने चमेली के गर्भ के बारे में जानकारी करता हूँ। तो बाबा जी से मैंने कहा, बाबा जी मेरी चमेली गर्भ होती है, उसके गर्भ से लड़का पैदा हो गया, लड़की। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारी चमेली को एक सुंदर बालक का जन्म होगा। बालक का जन्म? हाँ। क्या कहा बाबा ने? मैं बहुत खुशी हो गया अपने। सरदार जी कुछ सोने की बात है, खुशी देखा होगा ना। वो खुशी की बात बताने तुम्हारे पास आ रहा था तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ठहरो, इस खुशी के साथ साथ एक दुख का समाचार है। सरदार जी जब बेटा होगा तो इसमें खुशी की बात है, ये दुख की कौन सी बात है? मैंने बाबा से भी यही सवाल किया था प्रिय, लेकिन बाबा ने कहा कि जो चमेली के गर्भ से बेटा होगा उसी के द्वारा तुम्हारा खून होगा। मुझे क्रोध आ गया चमेली, मैंने बाबा को 5 लाख मारकर उन्हें गोली मार दिया। कहीं ये जान हो मुझे बाबा ने मुझे श्राप दिया है, कहीं बाबा का सच्चा श्राप सही हो गया और मेरा बेटा मेरा खून पैदा होगी उसको लाकर मैं तुम्हारे हाथों में गाऊंगी। शाबाश मेरी जान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं जानता था कि मेरी चमेली यही कहेगी, जो मुझे उस बच्चे को दे दोगी तो मैं उसका खून कर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी, जो बच्चा नहीं रहेगा तो साधु का श्राप सच्चा नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा तो चमेली चलू नदी के पुल पर बैठकर किसी राही को लूट लूंगा जिसे तुम्हें जेवर भी बनवाना है ना। जी सरदार जी। चले क्यों नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए कसम से तुम्हें जब नहीं देखती हूँ ना, न जाने क्यों मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता।